आज हम आपका पांचवी स्पीच पढ़ेंगे। आप पिछली क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं, हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। द पांचवी स्पीच कितने होते हैं? आठ होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे हम कहते हैं आपसे डेफिनेशन लिखो, हम कहेंगे डेफिनेशन ऑफ नाउन, हमने आपसे कहा डेफिनेशन लिखने के लिए, तो आप क्या करते हैं कि डेफिनेशन बोलने में ए साउंड आता है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर ए लगा देते हैं। बच्चों आगे से ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन में ए नहीं आता है, डेफिनेशन में आई आता है। डेफिनेशन ऑफ नाउन, संज्ञा की परिभाषा। किसी चीज़ की भी डेफिनेशन होती है तो ए नहीं लगेगा, आई लगेगा। चलिए हम आज नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउन, नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। डेफिनेशन ऑफ नाउन, संज्ञा की परिभाषा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। वी कैन से द ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल थिंग, इसमें किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम और वस्तु का नाम इसके अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को भी नाम ले लीजिए, आप अपना नाम ले लीजिए, किसी का भी नाम ले लीजिए। प्लेस किसी भी जगह का नाम ले लीजिए आप, इसमें दिल्ली, गाजियाबाद, मोदी नगर, मेरठ, छपरौली, बड़ोद, बागपत, मुंबई, कलकत्ता, कहीं का भी आप लिख सकते हैं प्लेस में नाम। आप लिख लीजिए एनिमल, कोई भी एनिमल हो हम उसमें काउ लिख लेते हैं। और थिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, फैन, etc. एक्सेट्रा इत्यादि आगे आगे, और आप कुछ भी लिख सकते हो। काइंड्स ऑफ नाउन बच्चों आपको पता है, जैसे ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। फाइव कौन होते हैं? नंबर वन प्रॉपर नाउन, नंबर टू कॉमन नाउन, नंबर थ्री मटेरियल नाउन, नंबर फोर कलेक्टिव नाउन, नंबर फाइव एब्स्ट्रैक्ट। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स।
बच्चों ये जो प्रॉपर नाउन है आपका, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, यानी कि इससे किसी विशेष नाम का, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी संस्था का नाम हो, चाहे किसी जगह का नाम हो। जैसे हमने आपसे कहा कि हम पंजाब नेशनल बैंक जा रहे हैं, तो बैंक का क्या नाम हो गया स्पेशल, पंजाब नेशनल बैंक। और हम कह रहे हैं कि हम शांति सागर में पढ़ते हैं, तो विद्यालय का नाम क्या आ गया, शांति सागर। तो इसलिए जो भी नाम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे चाहे किसी पवित्र की पुस्तक का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, नदी का नाम हो, किसी का भी नाम होता है, जो हम हमेशा आप ये देखते हैं ना, किसी किसी भी संस्था का, किसी नदी का, किसी पहाड़ का, किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, चाहे वो लास्ट में आए चाहे वो बीच में आए। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इसमें व्यक्ति विशेष के नाम का पता चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा, फॉर एग्जाम्पल इसमें किसी भी हॉस्पिटल का नाम हमने लिया, जैसे अपोलो, अपोलो हॉस्पिटल, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडिया, तो यानी कि प्रॉपर नाम से हमें किसी विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है। नंबर टू, कॉमन नाम। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाम। कॉमन जैसे कि बोलचाल की भाषा में कॉमन, सामान्य। कॉमन नाउंस आर आर मीनिंग वर्ड्स दैट आर कॉमन टू people, places, things and any animals etc. जैसे हम कहते हैं कि स्टूडेंट, स्टूडेंट में वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर में लेडी डॉक्टर भी हो सकता है और जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं ना। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, हम उसे डॉक्टर ही कहते हैं। टीचर, ये मेरी टीचर हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता कि टीचर में किसके लिए कहा। टीचर में जेंट्स भी आ सकते हैं और मैडम भी आ सकती हैं। फ्रेंड, फ्रेंड में भी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो इसलिए ये ऐसे शब्द हैं कॉमन, जो कि बोलचाल की भाषा में हम सामान्य रूप से इन्हें बोलते हैं। डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड, एक्सेट्रा। नंबर थ्री, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है समूहवाचक, यानी किसी भी चीज का समूह। इसकी डेफिनेशन क्या है, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ persons, places or things.
कलेक्टिव नॉम्स यानी समूहवाचक संज्ञा, ये वो शब्द हैं जिनसे हमें किसी भी व्यक्ति के, वस्तुओं के और एनिमल्स के समूह का पता चलता है। जैसे हम क्लास में, क्लास किसका समूह होता है? क्लास होता है बच्चों का समूह। बच्चों की उसको क्या कहते हैं, समूह को क्या कहते हैं? क्लास। इसी तरह हम आर्मी, आर्मी किसका समूह होता है? हमारा सोल्जर्स का। तो फॉर एग्जांपल ए फ्लॉक ऑफ शीप, शीप भेड़ के झुंड को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक। आ हर्ड ऑफ कैटल, जो हमारे पशु होते हैं, पशु के झुंड को क्या बोलते हैं हम? हर्ड। वाचक नाउंस आर अनकाउंटेबल एंड इन कंक्रीट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, यानी कि इन समय पदार्थ का पता चलता है कि वो पदार्थ है, तो मटेरियल नाउन, उससे मटेरियल नाउन का पता चलता है। जैसे दूध, तेल, पानी, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, कोई भी पदार्थ होता है वो हमारा मटेरियल नाउन में आता है। फाइव नंबर, नंबर फाइव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वी कैन फील, एब्स्ट्रैक्ट नाउन smell, hair, taste, etc. इसमें हमें किसी चीज के भाव, यानी किसी चीज से हमें खुशी, दुख, कड़वा, खट्टा, मीठा और कोई भी बात सुनकर हमें एहसास होता है कि हम मन प्रसन्न होता है, दुखी होता है, तो उससे हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एंगर, लव, चैरिटी, फ्रीडम एंड एक्सेप्टेंस। बच्चों, ये आपको आज नाउन के बारे में बताया है, कल हम प्रॉपर नाउन, सॉरी, प्रोनाउन के बारे में बताएंगे और वर्ब के बारे में बताएंगे। तो आप, होमवर्क आपका ये है कि आप इसको अच्छे से याद करके 5 बार तो नोटबुक में लिखेंगे और इसको फेयर कॉपी में आप उतार लीजिएगा और अच्छे से याद करिएगा। बहुत सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए आपकी। आपके पास बहुत टाइम है अभी, कोई जल्दी नहीं है कि आपको कल मैडम को चेक कराना है। आप बहुत सुंदर सुंदर लिखकर हैंडराइटिंग और इम्प्रूव, अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर लीजिए। थैंक यू।